संसार की इस भाग दौड़ और चकाचौंध भरी जिंदगी में एक तबका ऐसा भी है जो कई सुविधाओं से वंचित है। यहां हर रोज इंसान का जन्म होता है और हर दिन वो मरता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, शुद्ध पानी जैसे शब्द तो सिर्फ सपने हैं। आज तो दो टाइम की रोटी नसीब हो गई, साला समझो लक्ष्य पूरा हो गया। फिर चाहे वो मजदूरी से मिले या भीख मांगकर। और यहाँ विकास के लिए तो कोई तब सोचे जब उसके पास दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो। राजनीतिक दलों के लिए ये वोट बैंक ही नहीं, रैलियों में भीड़ जुटाने वाले लोग हैं। ये हमको साफ रखने वाले लोग हैं, ये मर के भी जीने वाले लोग हैं। स्लम्स यानी मलिन बस्तियां, समाज को आईना दिखाने वाले लोग। ये सब यहाँ है, गरीबी है यहाँ ज़्यादा। गरीबी है, गरीबी के मतलब समझते हैं ना, जो गरीब आदमी होते हैं सब कमाने के मतलब चक्कर में ज़्यादा है यहाँ। गांव छोड़ के यहाँ देश में आया कमाने के लिए आया यहाँ। थोड़ा बहुत 10 साल 15 साल में कमा के दिख रहे हैं ये सब। मजदूरी मतलब जैसे कोई किसी के मकान उकान बनाना हुआ तो मसाले उसल्ले बना उना के दे दिए मिस्त्री के साथ में। मतलब हम तो सर यहाँ पर बहुत टाइम से रहते, 20 साल से करीब रहते हैं यहाँ पे। एक लड़का भी है काम करने वाला है। अच्छा, काम भी करते, दिहाड़ी मिल गया दिहाड़ी करेंगे, कभी शादी बैंड वुड में काम मिल गया तो उधर चले जाते हैं। ऐसे तो उसका स्कूल था, पढ़ाई कर रहे थे वो। हाँ। पढ़ाई करने के बाद उसने काम छोड़ दिया, कम से कम 7-8 महीना हो गया। हाँ। सभी कहते कि अपना बच्चे को पढ़ाओ, अगर बच्चे पढ़ेंगे जब तो पढ़ेंगे वो। अब वो अपने मन से कहेंगे हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम ऐसा भी। हमारा तो करता भी है, हमारा भी मतलब बहुत % आदमी का यहाँ पे देखे हैं। ये नशा आपका आज से नहीं, ये नशा कम देखिए लड़का, ये लड़का है देखिए। हाँ। ये देखिए ये भी करता है, देखिए इसके हाथ में अभी कपड़ा भी है देखिए। ये देखिए अभी उस पर से उतर रहा है सब, इस देखिए ये गुफा है देख लीजिए। इतना बड़ा बड़ा करते हैं वो सब, कपड़े में डाल डाल देते हैं। सुल्फा नहीं, वो कुछ होता है ऐसे, ये पैंट होता है इसमें से निकालते हैं। भाई जी अगर इन्हीं बड़े से बच्चे देख रहे हैं ना, वो सब अपने गुम हो जाते हैं। बड़े को देखा तो छोटे तो करेगा ही, ये अपने मतलब में, वो दूसरा मतलब में। Thank you.
कुमारी है, जैसे हम भी कुमारी था ना, तभी माँ लेके आया हिया, माँ लेके आया, माँ तो गुजर गई है ना, माँ गुजर गई, बाप गुजर गई, एक भाई भी गुजर गई, तो किसका दूर रहता है, आदमी तो है, मज आदमी है, मज नहीं हमारा सही आदमी है, पीने वाला है, गंदा निकल रहा है, तो हम अपना गाय के काम करके खाते हैं, जैसे बच्चे होता है ना, जे हाँ मालिश भी करता है, बच्चे भी निकालता है पेट से। तो आपके पति कुछ नहीं करते हैं? क्या करेगा, वो लाएगा हमारा गंदे गंदे गाली देगा, रंडी खचरी भोंसरी रंडी कौन कौन गाली देगा, तो बुरा बुरा गाली दे के, और तभी जब के राशन पानी नहीं जोड़ता है, हम अपने से जोड़ लेते, क्या करूँ, तो जैसे दाई के काम करेगी, इधर से आ जाती है, फिर जाकर बिछे वो करती है कबार, जैसे है जैसे कबार बीन के खाती बहन, आप सकता नहीं, क्यों नहीं कर, अब नहीं बेसी सकता है, जाती है तो चक्कर आ जाती है, हाँ चक्कर आ जाती, कभी पेट में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, ऐसे होता है, तो वही बच्चे के सिखाती, जब हाथ का हुनर है तो सभी करके खाकर बच्चे के तो पाला। देखिए अब यहाँ पर एक नल का है, आप 10 आदमी आएंगे यहाँ पर पानी भरेंगे तो काफ़ी देर तक खड़ा रहेंगे यहाँ, कोई जल्दीबाजी में है, कोई पहले से 10 भरते हैं, सभी मतलब 10-15 डब्बे रखे हैं यहाँ पे, किसी ने टंकी हॉस फुल कर रखते हैं। हम 28 साल से बिहार से आ रखे थे, पैदा वहाँ हुए, जवान यहाँ हो गए, यहाँ मजबूरी है, वहाँ बिहार में तो क्या करे, पेट पालने के लिए बच्चा बच्ची लेके चले आए भाग कर गए, ताकि वहाँ बच्चा उच्चा से भूख भाग मर रहा था, बस यहाँ बस अपना चल रहा पेट पानी, कूड़ा बिलने जाता है बस यही सब चलता है, बस बाकी कुछ नहीं चलता है, बस हाँ बच्चे बुच्चे का भी यही सब चलता है, बीच भाज के लाता है चुपचाप के खाता है, बस सारा दिन बस नदी में खेलता रहता है गंदे पानी में, न कोई सहारा न कुछ, ऐसी बस परेशानी, कभी दुख कभी कष्ट सब होता ही रहता है, यही भी आने सा बस, अब क्या बताएं। अभी भी तो हमारा विचार है कि गाँव हमारा ठीक है, क्योंकि हमारा जन्म धरती वहाँ है, हर चीज वहाँ है, समझो कि हम लोग प्रदेश में कमाने खटाने आए हैं, बच्चे पालने के लिए आए हैं, अभी मान ली कि गदर वाला फिल्म हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बात, कि भाई हिंदुस्तान वाला हिंदुस्तान जाओ पाकिस्तान वाला पाकिस्तान, तो वही हिसाब हो जाएगा, ट्रेन लगा हुआ है देहरादून से दरभंगा तक डायरेक्ट, और कहीं बहन जो हरदंगा हो जाएगा तो हम लोग भागेंगे ट्रेन पर, उसको भी हम भगाएंगे यहाँ, ये हमको भी भगाएंगे यहाँ, भाई हिंदुस्तान हम जाएंगे तो पाकिस्तान वाला भागो यहाँ पाकिस्तान में, यही होगा, जैसे बढ़िया सुखी से खाए, बढ़िया से कमरा रूम मिले, कुछ लाइट उट मिले, आराम से खाए, जैसे आप लोग खाते हैं उस तरह से हम लोग भी अच्छा से करे, हमने पढ़े तो हमारा बच्चा पढ़े सुखी से रहे, यहाँ लाइट हम आप लोग के साथ में चले साथ में, ये नहीं कि हम मतलब दंगर तरह से बैठा रहे बदबू मार रहा है, ये नहीं, हम लोग भी समझते कि प्रशिक्षण में अच्छा से चले, आपको साथ जुड़ कर रहे, इस चीज के जुड़ाने के लिए सरकार सोचे तभी तो, जब पुल पर से चलता है तो देख लेता है नजर में किया है, अगर हम लोग को कोई काम बढ़िया मिल जाएगा तो हम लोग भी कबाड़ी छोड़ना छोड़ देंगे, लेकिन काम बढ़िया दीजिए ना, कोई फैक्ट्री में लगाइए, कोई चीज में लगाइए, तभी तो हम लोग कुछ करेंगे। इस समाज में रहने वाले ये लोग भी कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छी जीवन शैली चाहते हैं, लेकिन अभावों से भरी इनकी ये दशा बताती है कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है, फिर भी इनकी इस दर्द भरी दुनिया में हंसने और मुस्कुराने की कई वजह भी छिपी है, इनके भी सपने हैं और उन सपनों को साकार करने की दृढ़ता भी, इन मुस्कुराहटों में झलकती मासूमियत भरी सच्चाई है जो इन्हें इस मुश्किल समय में भी हर रोज जीने और आगे बढ़ने की ताकत देती है, ये आंखें जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहती,
बस कुछ छोटे से सपने जिन्हें पूरा करने की अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को बदलना चाहती हैं, बस कुछ पहलुओं को बदलना चाहती हैं।